हेलो दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार। करते हैं नए दिन की नई शुरुआत। तो हम सब बढ़िया हैं, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, कर लेते हैं एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे भगवान जी के चरणों के साथ। ये हैं मेरे गणपति बाबा, वह हैं भोलेनाथ। तो दोस्तों, बज चुका है अभी 7:30, 8:15 हो चुका है। तो हो रही है चाय की तैयारी। मैं वॉक करके रोज की तरह घर पहुंच गई हूँ। आजकल पूजा पाठ रेस्ट में, आपको पता है। तो अब करना है मुझे ये रूम की थोड़ा सफाई। तो पहले चाय बना लेती हूँ। चाय रखी है मैंने चूल्हे में, अदरक वाली, फर्स्ट क्लास गुड़ वाली, पहाड़ियों की चाय। तो दोस्तों, आज है 31st। तो होने को ये है अंग्रेजों का, पर फिर भी जो भी है, अगर हम जनवरी फरवरी मान रहे हैं तो माँ गिने तो हमको भी हर कोई महीना, हर कोई दिन, हर कोई घंटा, हर कोई मतलब पल खुशी से मनाना चाहिए। तो आज है 31st। तो आज होगी कुछ स्पेशल तैयारियां, क्या होंगी ये जानने के लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा पूरे ब्लॉग में। तो अभी बन रही है वहां पे चाय, किचन पे मैंने चाय रखी हुई है। तो आई हूँ अभी अपने बैठक के कमरे में। यहाँ पर हमारे अप्पू सोए हैं, ये देखिए। तो मुझे आज करना है यहाँ का चेंज, सारे कवर वगैरह चेंज करने हैं। तो दोस्तों, आज काफी काम होता है, और आज क्या स्पेशल बनेगा वो भी जरूर देखिएगा। और भगवान करे जैसा ये साल बीता, 2022 बीता, खुशियां खुशियों भरा, वैसे ही 2023 बीते। सभी के जीवन में खुशहाली लाए 2023 और 2022। जिसके जो भी दुख दर्द से बीता या खुशियों से बीता, जो भी है उसको आज तो खुशियों से ही मनाएगा, क्योंकि जाता हुआ साल है। तो खुशी रहनी चाहिए जो भी है, कि भगवान हम सुरक्षित हैं, हम ये साल मना रहे हैं, 31st मना रहे हैं। तो अपने घर पे ही मनाए अभी सेफ, क्योंकि बाहर हुड़दंग मचाने कोई फायदा नहीं है। अपनी फैमिली के संग बैठ के मनाइएगा 31st, एक अच्छा एंजॉय रहता है। और अपनी फैमिली के संग जैसे मनाते हैं, क्योंकि बाहर जाके आपको पता है क्या होता है, भले जाएं तो अपनी फैमिली के संग जाएं, आराम से मनाइएगा 31st। तो मेरी 31st की शुरुआत हो रही है, मैंने आपको बताया। तो फटाफट से पहले देख आती हूँ मैं किचन में। चलो चलिए, चाय उबल गई तो फिर मैं यहाँ के कवर वगैरह चेंज कर लेती हूँ। तो चाय उबल चुकी है, मैं इसमें डाल देती हूँ 2-3 लौंग कूट के। और तो अपने आप रहता है, अभी ये लोग नहा के नहीं आए हैं। और आज तुलसी के पत्ते नहीं डालूंगी मैं, अदरक और लौंग की चाय बनाऊंगी गुड़ वाली। तो तब तक मैं कर लेती हूँ बेडशीट वगैरह चेंज। तो चलिए।
देखिए, मैंने अपने रूम के बेडशीट और सोफा कवर, कुशन कवर सब चेंज कर दे हैं। तो ये है फाइनल लुक आज का मेरा रूम का, इस रूम का। और ये है मेरे धोने वाले कपड़े, इसमें से सब हाथ से धोने वाले कपड़े हैं। एक बेडशीट को डालूंगी मैं मशीन में और सब हाथ से धोंगे, क्योंकि ये अगर मशीन में डाल तो खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस रूम की सफाई मेरी हो चुकी है। और रूम की कल और परसों मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर देते थे, क्योंकि काफ़ी ठंड हो गई। अब मैंने निकाल दिए हैं मोटे कंबल और रजाई वाले, आज तो हम कोरिया वाले, अब फर वाले जो मोटे होते हैं गद्दे से, जो रेक्रोन की रजाइयाँ होती हैं वो। और यहाँ भी मैंने इससे पहले कॉटन की बेडशीट डाली हुई थी, अब डाल दी मैंने यहाँ भी गर्म वाली उलन वाली बेडशीट। तो दोस्तों, अब चलते हैं आगे की ओर, को क्या क्या होता है। अब धोने ढेर सारे कपड़े, पैसे पहले भिगाने डाल दे हैं कपड़े, तब तक अपने आप भीग लें। और लगा लेती हूँ पोछा, उधर मेरा पानी हो रहा नल से, क्योंकि ये पानी आजकल गुनगुना आता है। और करनी है खाने की तैयारी, पहले फटाफट पोछा लगा लेती। तो दोस्तों, यहाँ पर बनने लगी है मेरी अब दूसरी बार की चाय, और बनाती हूँ आज मैं खीर सुबह। मैं बनाऊंगी पालक की सब्जी और टपके और कापा। तो आज बनाएगा शुद्ध पहाड़ी भोजन। तो किनारा डाल देती हूँ दूध, तो आज बनाऊंगी मैं देसी पालक का। आज ये है पहाड़ी पालक नहीं है, आज देसी पालक। मुझे थोड़ा सा बारीक बारीक से काट, क्योंकि मोटे मोटे डंडे हैं इसमें। तो दोस्तों, पालक की सब्जी बन गई है। थोड़ा मैंने रोटी के लिए वैसे रख दी, और मैं बना रही मैं अब कापा पालक का। तो मैंने इसमें थोड़ा आटा डाल रखा है गाढ़ा करने के लिए, और डाला थोड़ा खटास अच्छी लगती है इसमें, तो मैंने इसमें डाला हुआ मट्ठा। और यहाँ पर हो रही है दाल फ्राई, ये करना है दाल फ्राई। ये तो इतने सारे कपड़े थे, कपड़े भी मेरे लगभग लगभग धुल चुके हैं पूरे। देखिए, बच चुका है 10:15 कपड़ों के, ये है। और आ चुकी है हमारे वहाँ आज खिलखिलाती हुई धूप। आज थोड़ा कल से परसों, मतलब परसों शाम थोड़ा बारिश की बूंदा वाली थी, तो कल भी काफ़ी नॉर्मल मौसम था और आज भी काफ़ी नॉर्मल मौसम है। और आज आ चुकी है धूप। अब हम बनाते हैं खाने की तैयारी। तो दोस्तों, खाना खा लिया है और बर्तन मैंने धो दिए हैं। अब किचन की हो रही है सफाई, तो किचन की मैं कर लेती हूँ सफाई। गैस वगैरह मैंने साफ कर लिया, थोड़ा झाड़ू पोछा लगाना है ये देखिए। और फिर उसके बाद करती हूँ तैयारी, धूप सेकूंगी थोड़ी देर। और मैंने कसने हैं, आज शाम बनेगा कुछ स्पेशल। तो स्पेशल के लिए ये छीलने हैं मैंने इतने, 5 किलो पूरे मैंने गाजर छीलने हैं और कसने हैं, छीलूंगी धूप में। तो दोस्तों, बने रहे साथ। हेलो दोस्तों, तो घर का अंदर का काम निपटा के मैं आ गई हूँ छत पे अभी धूप पे। तो आज बनाना है गाजर का हलवा, 31st स्पेशल बना गाजर का हलवा, और शाही पनीर बनेगा, क्योंकि दोस्तों आज सैटरडे है और हम लोग कुछ ऐसा नॉनवेज वगैरह भी नहीं लेते हैं। तो आज बनेगा शुद्ध गाजर का हलवा, और सभी लोग आज के पार्टी में आमंत्रित हैं, सभी लोग आइएगा। मैंने छील दिए हैं इतने गाजर, दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे, मैंने फ़ोन भी ऐसे रखा, ये देखिए इतने गाजर मैंने छील के रख दिए हैं। एक गाजर और छीनना है, तो फिर कस लूँगी एक बार फटाफट, धो लाती हूँ नीचे से, सोच रही थी कस भी लूँ फटाफट से लगे हाथ, ये काम खराबर निपट जाता तो अच्छा होता है दोस्तों ना। दोस्तों, गाजर छिलके मैंने कर दिए हैं तैयार, ये है छिलके, और रखे मैं इस टोकरी में। फिर गाजर को तो नीचे से धो के लाऊंगी, सोच रही हूँ कि कसूं, पर एक दिन कराई नहीं, थोड़ी देर रेस्ट मार लेती हूँ, सुबह से थक गई हूँ काफ़ी। तो इसमें रख लेती हूँ गाजर फटाफट से, इसी में चाकू भी डाल लेती हूँ, इसी में मैं लेके आई थी, और छिलके रख दिए मैंने किनारे। तो दोस्तों, इतने कसने हैं मैंने, हाथ थक जाते हैं छिलने कसने।
कोई नहीं, बिना काम करे कैसे खाएंगे दोस्तों, ये बताइए। ये ढक दिया मैंने गाजर, तो इनको डाल देती हूँ क्यारी में। तो दोस्तों शाम का चाय पानी वगैरह हमारा हो गया है, क्योंकि दिन में मुझे बिल्कुल भी ताकत नहीं आई गाजर कसने की। तो अभी मैंने गाजर धो के रख दिया फिर से टोकरी में, और तो मैं फटाफट कस लेती हूँ गाजर। तो कर लेती हूँ तैयारी। तो मेरे हाथ में उठी दर्द कसते कसते मेरी 4 किलो मैंने गाजर कसना था। पहले छीलने में कसना, छीलने में तो उनकी अभी कसने में बहुत समय लगता है, और 5 लीटर के कुकर में आ भी नहीं रहा है कसते। हमने फिर 1-5 लीटर और 1-2 लीटर के कुकर में इसको मैं बॉइल करूँगी। ये देखिए जिसको भी गाजर का खाना है जल्दी से आ जाएगी हमारी। तो ये है 31st का स्पेशल डिश, सुबह का स्पेशल डिश आपने देखा होगा। आज सुबह मैंने बनाया 31st का भात का बाहर, और शाम को बनाएंगे आगे का हलवा बनाएंगे, और बनाएंगे शाही पनीर। वैसे दोस्तों रोज़ ही बनता है पनीर वगैरह, मतलब ऐसा होता है कि एक दिन अच्छा लगता है कि ऐसा बनाया। गाजर का हलवे की शुरुआत आज से हुई है, इतने बार बनेगा मतलब शुरुआत ही सही हुई है। 31st से करते हैं हर साल। तो दोस्तों गाजर रख दिया मैंने अब उबालने के लिए काफ़ी मशक्कतों के बाद। तो दोस्तों गाजर का हलवा भी बन के हो रहा है तैयार, और साइड से बन रहा शाही पनीर, और एक कुक शाप तो हमारे पहले के ही हैं, और एक कुक शाप आज हम नए कुक लाए हैं जो बना रहे हैं गाजर का हलवा। कसने तक की मेरी जुमारी है, आगे की प्रोसेसिंग हमारे बिहारी बाबू कर रहे हैं। तो ये लगे हैं गाजर का हलवा बनाने, और ये डाल दिए इन्होंने ड्राई फ्रूट, ये डाले ड्राई फ्रूट और आएंगे अभी। ये डाले ड्राई फ्रूट भरपूर मात्रा में, ये देखो आपको साफ बना रहे हमारे। तो फाइनली गाजर का हलवा बन के हो गया तैयार, और लास्ट में फिर थोड़ा डेकोरेट किया जा रहा है इसको, किसे खोए से, खोए से। इसमें पड़ रहा है खोया, पहले भी पड़ा है, और यहाँ शाही पनीर भी लगभग बन के हो गया तैयार। भरपूर मात्रा में पड़ेगा इसके ऊपर खोया। एक खड़ी बारे। तो दोस्तों शाम का खाना वाना हमने खा लिया है, और 31st की पार्टी आराम से हमने घर में मना ली है। आप लोगों ने कैसे मनाई जरूर बताएगा कमेंट में। तो मिलते हैं नए साल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।